हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाले किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट वॉलेट बैंकिंग एप्लीकेशन बना सकते हो, तो इन्वेस्टमेंट का वेबसाइट बना सकते हो। तो किस तरह का वेबसाइट बनने वाला है स्क्रीन पे आप देख सकते हो। सबसे पहले आपका लोगो हो रहेगा, होम, अबाउट, सर्विस, न्यूज, कॉन्टेक्ट और मल्टीपल लैंग्वेज आएगा, लॉगिन का ऑप्शन आएगा और जो आपका इन्वेस्टमेंट का वेबसाइट होगा कुछ इस तरह का डिज़ाइन होगा, देख सकते हो डिज़ाइन वगैरह। ओके, ये सारे कंटेंट है, इसको आप एडिट वगैरह कर सकते हो, ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हो। ओके, यहाँ पे प्लान सेलेक्ट वगैरह करने का भी ऑप्शन आता है। ओके, और यहाँ पे देख सकते हो डिपॉजिट, विड्रॉल सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान क्रिएट करते हो वो यहाँ पे शो भी करता है। एंड यहाँ पे डॉलर वगैरह शो कर रहा है, आप इंडिया से हो तो इंडियन रुपीज़ शो करेगा, उसके लिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद नीचे रेफरल प्रोग्राम भी इसके अंदर दिया गया है, मीटा और इन्वेस्टर, ये सब भी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट का प्राइजिंग है ये सब भी आप एडिट कर सकते हो, अपने हिसाब से डाल सकते हो। एंड नीचे इस तरह का आपको डिज़ाइन वगैरह मिल जाता है। तो फुल इस तरह का यहाँ पे आर्टिकल वगैरह भी डालने का ऑप्शन है, कंटेंट भी अपना डाल सकते हो इस वेबसाइट के अंदर, ठीक है। और फुटर के एरिया कुछ इस तरह का मिलता है, यहाँ पे आपका एड्रेस वगैरह, नंबर और ईमेल वगैरह ऐड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह का आपका वेबसाइट का होम पेज हुआ, ठीक है। और इसका आपको एक एडमिन पैनल मिलता है पावरफुल, जहाँ से आप पूरा कंट्रोल करते हो अपने इस वेबसाइट को। तो यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे टोटल यूजर दिखाया है, टोटल एक्टिव यूजर कितना है, बैनड यूजर, ज्वाइन टूडे कितना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो सारे ऑप्शन। यहाँ पे टूडे इन्वेस्ट, रनिंग इन्वेस्ट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, जो कि आप देख सकते हो प्लान कितना है, टोटल इंटरेस्ट कितना बना है, टूडे डिपॉजिट कितना हुआ है, टोटल डिपॉजिट सब कुछ यहाँ पे, विड्रॉल वगैरह सारे ऑप्शन यहाँ पे दिया है आपके एडमिन पैनल के अंदर, ठीक है। लेटेस्ट जो भी यूजर होगा सब कुछ यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पर भी आपको डॉलर में शो कर रहा है, तो इंडिया से हो तो आपका इंडियन रुपीज़ हो जाएगा, ठीक। एंड फ्रेंड्स, अगर आप वाला इन्वेस्टमेंट का कंप्लीट वेबसाइट अगर आप हमसे बनाना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फीचर वगैरह देख लेते हैं, KYC फॉर्म है, मैनेज रोल, ICO, उसके शेड्यूल प्लान यहाँ से अलग अलग क्रिएट कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, रेफरल सेटिंग है, ट्रांजेक्शन लॉग है, यूजर है, एक्टिव यूजर, बैनड यूजर, पेंडिंग KYC, KYC लॉग, ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेमेंट डिपॉजिट, इसके अंदर मल्टीपल आप पेमेंट रिसीव करने का भी तरीका है, एक्सेप्ट डिपॉजिट, रिजेक्ट डिपॉजिट, डिपॉजिट लॉग्स मेथड, पेंडिंग विड्रॉल, विड्रॉल लॉग, सपोर्ट, थीम सेटिंग, ईमेल सेटिंग, लैंग्वेज मैनेजर, गूगल टूल, लोगो एंड आइकन, ब्रेड क्रब मेनू, वेब इंटरफेस, न्यूज, ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाता है एडमिन पैनल के अंदर। तो गाइज, आपने डेमो देख लिया इन्वेस्टमेंट वॉलेट बैंकिंग वेबसाइट का, ठीक है। तो चलिए अब आपको बनाना सिखा देते हैं किस तरह से आप इस तरह का वेबसाइट बना सकते हो। तो गाइज, इस तरह का वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसका स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड करना होगा, जो कि प्रीमियम स्क्रिप्ट है। डाउनलोड करने को आपको अपलोड करना है अपने होस्टिंग पे, ठीक है। जिप फाइल मिलता है, जिप फाइल को अनजिप करके उसके अंदर प्रोजेक्ट का जिप मिलेगा, उसको अपलोड कर देना। अपलोड करने के बाद इसको जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना, सिंपली इस तरह से राइट क्लिक करके, ठीक है। तो जो भी मैं स्टेप को फॉलो कर रहा हूँ आप भी फॉलो करना। क्लोज पे क्लिक कर देते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर विड्रॉल क्लिक करेंगे, एंड सेलेक्ट एल करेंगे, यहाँ पे हम मूव कर देते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। जो भी हमारा डोमेन या तो सब डोमेन है उसके अंदर मूव करने के बाद ओपन लेवल पर क्लिक करना है, एंड जो भी आपका ब्राउजर है उसके अंदर आपको डोमेन नेम ओपन करना है, ठीक है। डोमेन ओपन करोगे कुछ इस तरह का शो करेगा, आपको डोमेन नेम के बाद आपको स्लैश इंस्टॉल आपको लगाना पड़ेगा। तो गाइस, इंस्टॉल करने के लिए आपको डोमेन नेम के साथ आपको स्लैश इंस्टॉल क्लिक करना है, उसके बाद इंस्टॉलेशन का पेज कुछ इस तरह का ओपन हो जाएगा, डोमेन नेम स्लैश इंस्टॉल, ओके। उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स फिल करने के लिए आ जाएगा, यहाँ पे आपको डाटाबेस बना करके उसका डिटेल्स फिल करना है। तो उसके लिए हम जाएंगे सीपल के होम पेज पे, एंड डाटाबेस सेक्शन के अंदर जाएंगे, माई एसक्यूएल ड्राइव यार पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम एक डाटाबेस बना लेते हैं। आप कुछ भी डाटाबेस बना लेना। तो मैंने यहाँ पे डाटाबेस का नेम दे दिया, ठीक है, आप कुछ भी नेम दे सकते हो। डाटाबेस यूजर नेम के अंदर भी हम सेम देने वाले, पासवर्ड को जनरेट करेंगे एंड कॉपी कर लेंगे, एंड दोनों बॉक्स के अंदर हम फिल कर देंगे यूज पासवर्ड पर क्लिक करके, एंड क्रिएट यूजर पर हम क्लिक कर देंगे, एंड यहाँ पे एल परमिशन हम दे देते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, और नेक्स्ट स्टेप पे हम क्लिक कर देंगे गाइस, ठीक है। तो सेम इसी तरह से आप ये स्टेप फॉलो करके इस तरह का वेबसाइट बना सकते हो इन्वेस्टमेंट का। तो सबसे पहले पासवर्ड हमने कॉपी कर रखा था, पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट करेंगे इस बॉक्स के अंदर, पासवर्ड वाले बॉक्स के अंदर। तो पासवर्ड हमने फिल कर दिया, उसके बाद डाटाबेस का जो हमारा यूजर नेम है, नेम है, दोनों हमारा सेम है, देख सकते हो। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आप डाल देना, ठीक है। तो डाटाबेस नेम के अंदर हम डाल देते हैं, और डाटाबेस यूजर नेम के अंदर भी डाल देते हैं, और डाटाबेस होस्ट के अंदर आपको लोकल होस्ट टाइप करना है, इस तरह से लोकल होस्ट स्पेलिंग आप मैच कर लेना। उसके बाद आपको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देना है। तो गाइस, इंस्टॉल सक्सेसफुली हो चुका है, उसके बाद जो इंस्टॉल का फोल्डर है उसको डिलीट करने के लिए बोला जा रहा था, चलिए डिलीट हम कर देते हैं। तो इंस्टॉल का फोल्डर देख सकते हैं ये वाला, इसको हम डिलीट कर देते हैं, ठीक है।
उसके बाद हम क्या करेंगे, गो टू वेबसाइट पे हम क्लिक करेंगे। तो गाइज हमारे डोमेन नेम पे देख सकते हैं हमारा इन्वेस्टमेंट का वेबसाइट लाइव हो चुका है। ऊपर से नीचे तक इसको भी स्क्रॉल करके आपको दिखा देते हैं, ठीक है। देख सकते हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर अभी क्रिएट नहीं किया गया है, बैकएंड से जो भी आप क्रिएट करोगे सब यहाँ पे शो कर जाएगा आपके वेबसाइट के ऊपर होम पेज पे, ठीक है। तो लुक ओवर आप देख ही सकते हो, बन चुका है हमारा इन्वेस्टमेंट का वेबसाइट। उसके बाद आपको इसका एडमिन पे लॉगिन करना होगा। तो एडमिन पे लॉगिन कैसे करना है चलिए आपको दिखा देते हैं। तो एडमिन पे लॉगिन करने के लिए डोमेन नेम स्लैश आपको एडमिन टाइप करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह का एडमिन का लॉगिन का पेज आ जाएगा जिसके अंदर आपको एडमिन का यूजर पासवर्ड आपको टाइप करना है। तो अगर उसके आपको यूजर नेम के अंदर admin@admin टाइप करना है, पासवर्ड के अंदर आपको एडमिन टाइप करना है, उसके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा लॉगिन गाइज हो चुका है एडमिन पैनल। उसके बाद हम प्रोफाइल में जाकर के पासवर्ड को चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हो न्यू पासवर्ड दोनों बॉक्स के अंदर डाल के सेव कर सकते हो, ईमेल आईडी भी डाल के चेंजेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो जो आपको सेटिंग हो रहा है सेटिंग में जाना, ठीक है। यहाँ पर अपना नाम वगैरह ईमेल आईडी सब कुछ चेंज कर लेना, जो भी आपका कंट्री है डिटेल है सब कुछ यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। जैसे कि USD है तो आपको INR कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से सारी डिटेल्स को यहीं से आप चेंज कर सकते हो, सारे ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। उसका मेथड वगैरह जो भी है, थीम वगैरह है, ईमेल सेटिंग है, आइकन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हो। वेबसाइट का जो भी लोगो वगैरह लगा है वो आप यहाँ से चेंज करोगे, चेंज हो जाएगा आपके वेबसाइट पे। और वेब का इंटरफेस है उसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, सोशल लिंक वगैरह डाल सकते हो, अबाउट सेक्शन यहाँ से चेंज कर सकते हो, सारे सेक्शन यहाँ से आप चेंज कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। न्यूज़ वगैरह है वो आप न्यूज़ वगैरह आर्टिकल यहाँ से ऐड कर सकते हो, सारे ऑप्शन दिया है। तो इसको बना लोगे एडमिन पे लॉगिन करोगे तो यूज करोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। किसी को रोल भी क्रिएट कर सकते हो, ओके। और प्लान क्रिएट करने का यहाँ से ऑप्शन मिल जाता है, ऐड प्लान पे क्लिक करके कर सकते हो। और कितना यूजर है एल यूजर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो, उसको बैन वगैरह भी आप चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैंने आज की इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया किस तरह से अपना इन्वेस्टमेंट प्लान का वेबसाइट बना सकते हो। एंड अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो रहा है, कोई भी क्वायरी हो रहा है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। एंड फ्रेंड्स अगर आपको किसी भी तरह का एप्लीकेशन या तो वेबसाइट बनवाना हो तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, थोड़ी इन्फोटेक वहाँ पे कोड वगैरह हम प्रोवाइड करते रहते हैं, ठीक। तो ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे सर्च करके। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक करना एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।